हेलो एवरीबॉडी, आज 12 साइंस फिजिक्स में हिंदी मीडियम में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र के अंतर्गत हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? तो एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, एक कम फोकस दूरी का हैंडल लगा हुआ उत्तल लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो सामान्य सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो वस्तु है प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में रखी, तो जब कभी किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखती है तो उसका आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब है कि अगर हमको आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु कहाँ रखनी चाहिए? तो हमको वस्तु उत्तल लेंस की फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो आवर्धन क्षमता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है यानी डीप दूरी पर। तो पहली स्थिति यह है जहां पर हमको आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो दोनों स्थितियों में हमको आवर्धन क्षमता इस सरल सूक्ष्मदर्शी की ज्ञात करना है। तो हम यहाँ किरण आरेख देख सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु ए बी है जो एक उत्तल लेंस एल के प्रकाशी केंद्र को और उसके फोकस F के बीच स्थित है। इसका आवर्धित और सीधा है ना, आवर्धित और सीधा आभासी प्रतिबिंब A1 B1 वस्तु की तरफ ही बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। इन दोनों स्थितियों में हमको इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें जो आवर्धन क्षमता है उसके लिए सूत्र होता है F बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित हो, जो प्रतिबिंब है जैसे कि यहाँ पर A1 B1 प्रतिबिंब नेत्र पर जो कोण बना रहा है वो है बीटा, और वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नेत्र पर आंतरित हो। जब वस्तु को नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखें यानी डी दूरी पर रखें तो वस्तु नेत्र पर जो कोण आंतरित करती है वह है अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को हम किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो जिस यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है इसीलिए हम इनके स्थान पर क्या लेंगे? टैन लेंगे। तो अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है अतः एम बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, ये tan ले लिया। अब tan बीटा का मान और tan अल्फा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी ओ बी, त्रिभुज ए बी ओ बी tan बीटा का हम tan बीटा बराबर ए बी बटे, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। तो इस त्रिभुज ABO में लंब है
AB और आधार है OB। तो इस प्रकार हमने tan थीटा का मान निकाला। अब जो त्रिभुज है A2 B1 OB, ठीक है, त्रिभुज A2 B1 OB, हम tan अल्फा का मान निकालेंगे। यहां देख सकते हैं ये tan अल्फा बराबर A2 B1 बटे O B1 हो जाएगा। A2 B1 बटे O B1। अब यहाँ हम चित्र से देख सकते हैं कि जो A2 B1 है वो किसके बराबर है, AB वस्तु के बराबर, ठीक है। तो यहाँ A2 B1 की जगह हम AB लिखते हैं। तो tan अल्फा बराबर AB बटे O B1, क्यों, क्योंकि जो A2 B1 है वो किसके बराबर है, ठीक है। यह मान यहाँ रख देंगे समीकरण एक में tan बीटा और tan अल्फा का मान रखने पर, हम यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। तो m बराबर, अब हमको इसमें यहाँ पर सूत्र m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, tan बीटा का मान है ए बी बटे ओ बी और tan अल्फा का मान है ए बी बटे ओ बी वन, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी बटे ओ बी, उलट में हो जाएगा तो ओ बी वन बटे ए बी, ए बी और ए बी कट जाएंगे तो ओ बी वन बटे ओ बी, ये हमको प्राप्त हो रहा है OB1 बटे OB। अब हम देखते हैं कि OB1 कितना है D और OB कितना है U। तो जहां जो OB1 है तो का माइनस D, माइनस D क्या है, D है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो D उसके लिए हम D यूज करते हैं। उसी प्रकार यहां पर OB क्या है, OB है वस्तु की प्रकाशी केंद्र से दूरी यानी माइनस, जो हमारा फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस डी बटे ये रहेगा एम बराबर डी, ठीक है। ये कॉमन सूत्र एम बराबर डी बटे यू। अगर अब हम इस सूत्र को या इस फॉर्मूले का आवर्धन क्षमता को अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करें, तो अभी हमने निकाला m बराबर d बटे u। अब हम पहली स्थिति के लिए, है ना, पहली स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो पहली स्थिति क्या थी, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता के लिए क्या सूत्र होगा वह हम ज्ञात करेंगे। फिर दूसरी स्थिति के लिए हम ज्ञात करेंगे कि जब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर। तो पहली स्थिति जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, तो लेंस सूत्र से 1 by f equals to 1 by b minus 1 by u। अभी यहाँ पर हम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, डी पर बन रहा है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार 1 by f बराबर यहाँ पर b की जगह कितना रख देंगे, माइनस डी और माइनस 1 by माइनस चिन्ह परिपाटी u वस्तु इस तरफ है, सूत्र में रखेंगे तो माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 by f equals to minus 1 by d plus 1 by हम d से गुणा करेंगे, ये पूरे समीकरण को d से गुणा करेंगे, तो d से गुणा करने ये समीकरण को हम d से गुणा करेंगे तो जाएगा d बटे f बराबर यहाँ पर d से d कट जाएगा बचेगा माइनस वन प्लस d बाय ये हो जाएगा d बटे f प्लस वन बराबर d बटे। जैसे कि हमने ज्ञात किया था कि m बराबर d बटे
यू वन। तो यहाँ पर d बटे u का मान कितना आ रहा है, 1 प्लस d बटे f। अतः जो आवर्तन क्षमता है m बराबर 1 प्लस d बटा f होगी। तब जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की, जब प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रहा है, d दूरी पर बन रहा है, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब है वो d दूरी पर बनने को स्थिति में आवर्तन क्षमता के लिए ये फॉर्मूला है। अभी दूसरी स्थिति, ठीक है, सेकंड स्थिति। तो दूसरी स्थिति में क्या है, सेकंड स्थिति में जब प्रतिबिंब, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमको अनंत पर बन रहा है तो u बराबर f हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी फार्मूला देखा था m बराबर होता है g बटे m बराबर u की जगह क्या रखेंगे f, तो हो जाएगा g बटे m बराबर g बटा f। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, जब जो अंतिम प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब है वो कहाँ बने, अनंत पर बने। तो ये दोनों स्थितियों में हमको आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता किन 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 कारकों पर निर्भर करती है, तो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। तो अगर हम फोकस दूरी को कम करना चाहिए, कितना कम, ज्यादा, जैसे जैसे हम फोकस दूरी को कम करेंगे आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम फोकस, इस लेंस की फोकस दूरी कम करते हैं, ठीक है, तो दर्पण की जो लेंस है उसकी मोटाई बढ़ जाएगी।